नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। आवर रिसोर्सेज, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस, रिसोर्सेज पे प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, वट आर रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो डिफरेंट रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट रीजन्स। ह्यूमन बींग्स टू आर ए रिसोर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज एंड फाइंड न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। अलग अलग तरह के रिसोर्सेज स्रोत जो हैं उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग उनका मूल्य होता है अलग अलग कारणों से। ह्यूमन बींग्स मानव भी एक तरह का रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की डेवलप करने की स्किल्स है। सबके पास अपनी अपनी स्किल है। किसी ने कुर्सी बनानी सीख ली, किसी ने नाचना सीख लिया, गाना सीख लिया, टीचिंग करना सीख ली। इस तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग स्किल डेवलप कर ली, और उसने ये भी अपनी स्किल्स के द्वारा सीखा कि कैसे न्यू रिसोर्सेज को हम ढूंढें, न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर करें और कैसे उनसे नई नई चीज़ें हम बनाएं। अर्लियर मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर सर्वाइवल एज हिज नीड्स वर लिमिटेड। जो शुरुआती इंसान था, यानी कि जो आदि मानव था हजारों वर्ष पूर्व, तो वो टोटली उसकी कुछ लिमिटेड चीज़ें थी, उसकी ज़रूरतें बहुत ही लिमिटेड थी, निश्चित थी। विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लैक ऑफ स्किल्स ही फाउंड ए न्यू थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट यूजफुल टू फुलफिल हिज नीड्स। उस निश्चित और लिमिटेड नॉलेज के साथ, और स्किल भी उसके पास काफ़ी कम था, उसने नई चीज़ें एनवायरनमेंट में सीख ली अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट बाई गैदरिंग एंड हंटिंग। एनिमल्स प्रोवाइडेड हिम विद फूड एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज प्रोवाइडेड हिम विद क्लोथिंग एंड दस हिज बेसिक नीड्स वर फुलफिल्ड। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि वो फॉरेस्ट में रहे, वहाँ उन्होंने हंटिंग करना अर्थात शिकार करना शुरू कर दिया और उनको खाने लगे, पेड़ों के पत्ते इस्तेमाल करने लगे, उनको अपने चारों तरफ लपेटने, एज ए क्लोथ, एज ए कपड़े भी इस्तेमाल करने लगे और उनकी ज़रूरत की चीज़ें फुलफिल हो गई। देयरफॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट विच आर यूजफुल टू मैन एंड हैव वैल्यू आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इसलिए जो चीज़ें एनवायरनमेंट में, वातावरण में हैं और इंसानों के लिए वे यूजफुल है, महत्वपूर्ण हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए रिवर बिकम्स यूजफुल व्हेन मैन यूजेस इट फॉर इरिगेशन पावर एंड नेविगेशन। उदाहरण के तौर पर, जो नदी है, नदियाँ होती हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कृषि के काम आती हैं बल्कि पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए और नेविगेशन यानी कि चीज़ों को ढूंढने के लिए भी काम आती हैं। ए रिवर नाउ हैज़ वैल्यू अटैच टू इट। इसलिए एक नदी के साथ उसकी एक वैल्यू अटैच हो गई, एक मूल्य अटैच हो गया। वैल्यू कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स। वैल्यू अलग अलग तरह की हो सकती है, लीगल, एस्थेटिक, एथिकल और इकोनॉमिक। तो इस तरीके से हमने इसको तीन चार चीज़ों में बांट दिया है। तो पहले हम बात करते हैं लीगल वैल्यू की। फर्स्ट पॉइंट इज लीगल वैल्यू। ए रिसोर्स हैज़ ए लीगल वैल्यू इन दिस एस्पेक्ट। एन एग्जाम्पल इज द लॉ पास्ड इन दिल्ली अंडर क्लीन एयर एक्ट। ऑल द व्हीकल मस्ट हैव ए पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट। दिस लॉ प्रोवाइड्स ए लीगल वैल्यू टू एयर। एक रिसोर्स जो एक लीगल वैल्यू है, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कानून दिल्ली में पास हुआ है कि क्लीन एयर एक्ट, इसमें सभी वाहनों को एक पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा जो उसको लीगल वैल्यू एयर के लिए, यानी कि उस सर्टिफिकेट के साथ ही वो
चला सकेगा अपने व्हीकल्स, क्योंकि क्लीन एयर बहुत ज़रूरी है और जो पोल्यूशन करेगा व्हीकल उसको तुरंत तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। तो ये हो गई लीगल वैल्यू यानी कि कानूनी जो वैल्यू है। दूसरा हमारा एस्थेटिक वैल्यू, वी शुड प्रिजर्व नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट माउंटेन्स रिवर्स लेक्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक अटेम्प्ट टू गिव एस्थेटिक वैल्यू टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमको जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक ब्यूटी है, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, माउंटेन हैं, रिवर हैं, झरने हैं, इनको सबको बचा के रखना पड़ेगा ताकि हमारी जो एस्थेटिक वैल्यू है प्राकृतिक रिसोर्सेज की वो बनी रहे। फिर हमारा एथिकल वैल्यू, इट इज़ एसोसिएटेड विद मॉरल वैल्यूज विद ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर प्रिजर्विंग नेचुरल पार्क फॉरेस्ट रिसोर्सेज नॉट अवर एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज एन एथिकल वैल्यू। ये हमारी मॉरल वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे इंसान का बिहेवियर कैसा है, कैसा व्यवहार है, कैसा वो कंडक्ट करता है और कैसे वो नेशनल पार्क को संरक्षित करता है, फॉरेस्ट को संरक्षित करता है और ज़्यादा इनका शोषण ना करे प्राकृतिक संसाधनों का। जैसे हम पार्क में जाते हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम पेड़ पौधों को अच्छे से रखें, किसी चीज़ को ख़राब ना होने दें, तो ये हमारी ड्यूटी है। फिर है इकोनॉमिकल वैल्यू, एनी मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव ऑल इकोनॉमिक वैल्यूज। सभी मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में यूज के लिए यूज होते हैं और जैसे रोड बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर मेथड थोड़ा ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे कैसे उसमें नई नई मशीनें आई एग्रीकल्चर में, तो वो सब चीज़ें हमें इकोनॉमिक वैल्यू देती हैं। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट और रिसोर्सेज में क्या है टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस वो देखते हैं। द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ द रीजन्स एंड टेक्नोलॉजी देयर प्रोसेस, बाय टेक्नोलॉजी वी मीन देयर नॉलेज एंड स्किल दे हैव फॉर यूजिंग देयर रिसोर्सेज, द नीड्स ऑफ द पीपल्स आर नॉट द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक तो रिसोर्सेज का जो प्रयोग है वो लोगों की ज़रूरतों पर, वहाँ के क्षेत्रों पर और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या। By technology we mean the knowledge and skill they have using the resources. Technology से हम ये समझते हैं कि रिसोर्स को हम कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना, कैसे प्रयोग करना है। The needs of the people are not same all over the world. लोगों की ज़रूरतें पूरे विश्व में एक समान नहीं है। मान लो कहीं किसी चीज़ की, मान लो कहीं गर्मी पड़ रही है तो वहाँ कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, सूती कपड़े की, जहाँ ठंड पड़ रही है वहाँ कुछ और ऊनी वगैरह कपड़े की ज़रूरत है। तो ये जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग ज़रूरतें हैं, दे वेरी एंड दे चेंज टाइम टू टाइम। द अर्ली ह्यूमन बींग्स हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड दे वर सेटिस्फाइड बाई कलेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जो आदि मानव था उसकी नीड्स बहुत ही लिमिटेड थी और वो अपनी सेटिस्फाई करने के लिए आसपास से जो है मटेरियल जो भी उसको मिलता उसको कलेक्ट करता रहता था। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मैन के लिव्ड इन केव्स, हंटेड एनिमल्स एंड एट न्यू मीट। उदाहरण के तौर पर जो आदि मानव था वो गुफाओं में रहता था, शिकार करता था पशुओं का और कच्चा माल कच्चा मीट खाता था। सम कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका लाइक पिग्मीज डू ईट टिल नाउ। कुछ कम्युनिटीज है साउथ अफ्रीका में जैसे कि पिग्मीज है, वो भी आज ऐसा ही करती, कच्चा मांस खाती है। दे लिव ऑन प्लांट्स एंड हंट एनिमल्स। वे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं और पशुओं को का शिकार करते हैं। Even today, only when the man started living a settled life did he start using the resources which were there in that time. जब इंसान ने रहना शुरू किया था तो उन्होंने इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल शुरू करना शुरू किया।
लैंड सोइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ऑल गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। जमीन है, मिट्टी है, पानी है, प्राकृतिक वेजिटेशन है, वन्य जीव हैं, मिनरल है, और ये जो भी पावर रिसोर्सेज ये सब प्रकृति के उपहार हैं। वर देयर ऑल द टाइम, और हमेशा ही रहेंगे। मैन लर्न टू यूज देम व्हेन वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड दे बिकम रिसोर्सेज। आदमियों ने सीखा कि इनको टेक्नोलॉजी को कैसे हमें डेवलप करना है, कैसे उसका यूज करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसकी एक और वीडियो बनेगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे जो आपका सिलेबस फिनिश करवाऊँ। तब तक आप इसके जो बैक एक्सरसाइज और ओरल क्वेश्चन कर लीजिए। लेंथी क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, उसको मैं बाद में क्लास में करा दूँगा, एक्सप्लेन करा दूँगा। ओके बाय स्टूडेंट्स।